फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लाइव एंड प्रैक्टिकल दिखाऊंगा दोस्तों जीरोधा के अंदर से कैसे आप दो मिनट से पहले दोस्तों आप जीरोधा के अंदर आईपीओ बाय कर सकते हैं। आईपीओ जीरोधा के अंदर बाय करना या बीट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले नीचे आ जाए दोस्तों, नीचे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिला है, वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, बीट्स। दोस्तों जो बीट्स बोल के ऑप्शन आपको देखने को मिला है दोस्तों, आईपीओ अगर आपको बाय करना तो बीट्स ऑप्शन पे सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो दोस्तों मैं आपके सामने क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने का दोस्तों आईपीओ का लिस्ट आ जाएगा दोस्तों, जो भी आईपीओ में आपको पैसा लगाना है उस आईपीओ का बगल में अप्लाई ऑप्शन है। देखिए जो भी आईपीओ पे बहुत सारे आईपीओ का लिस्ट देखने को मिला, जहां पर भी आपको पैसा लगाना, जो भी आईपीओ आपको अच्छा लगे तो वहां पे बगल में अप्लाई ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। मैं इंडिविजुअल हूँ इसलिए इंडिविजुअल सिलेक्ट कर चुका हूँ। अभी अप्लाई करने से पहले आप आईपीओ के बारे में पढ़ लीजिए, आईपीओ स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, अलॉटमेंट कब मिलेगा, डिमांड पे कब आएगा, कब लिस्टिंग होगा, सब कुछ एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने का दोस्तों ऊपर में आप अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के दोस्तों आपको सबसे पहले यूपीआई आईडी भरना पड़ेगा। आईडी भरने के बाद वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको बिडिंग क्वांटिटी कितना बिड में पैसा लगाना, एक बिट, दो बिट, तीन बिट। देखिए एक बिट के लिए दोस्तों 101 क्वांटिटी का होगा, अगर आपको दो बिट लगाना है तो 202 क्वांटिटी का होगा, अगर तीन बिट लगाना है तो 303 क्वांटिटी होगा। देखिए यहाँ पे काटा पैसा रहने दीजिए दोस्तों, मेरे को तीन बिट लेना है दोस्तों, मतलब तीन बिट लेना है दोस्तों, इसलिए मैं 303 कर देता हूँ। चलिए 303 कर देता हूँ। 303 करने का दोस्तों आपका काम खत्म, यहाँ पे पैसा देखाएगा दोस्तों। अभी आपको नीचे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले आपको बिडिंग क्वांटिटी मार दीजिए, सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बोल रहा है आपको एप्लीकेशन सक्सेसफुली ले चुका है दोस्तों। अभी आपका जो भी आप यूपीआई आईडी दिया है दोस्तों, उस यूपीआई आईडी पर आपको एक पेमेंट लिंक जाएगा, वहाँ पर से आपको पेमेंट करना है काम खत्म। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है स्टेटस। देखिए मेरा यूपीआई पे रिक्वेस्ट आ चुका है, ऑटो पे रिक्वेस्ट, मैं पेमेंट कर देता हूँ आपके सामने। देखिए ऑटो पे सेट कर देता हूँ दोस्तों, सेट करने के बाद आपका काम कंप्लीट। अभी मैं आपके सामने अभी दिखाऊंगा, अभी वहाँ पे दोस्तों सबमिट देखेगा, अब तक पेमेंट पेंडिंग दिखाई दे रहा था। देखिए यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है दोस्तों। इस प्रोसेस से आप किसी भी टाइम जीरोधा के अंदर आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है।